दिव्यांगों को राहत पहुंचाने के लिए अग्रवाल पाठशाला सभा भवन में लगाए गए 3 दिवसीय दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का बुधवार को समापन हो गया। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित शिविर में 401 दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। शिविर में 32 जयपुर फुट, 71 कैलिपर्स, 54 बैसाखी, 115 ट्राइसिकल, 48 व्हीलचेयर, 70 श्रवण यंत्र और 11 ब्लाइंड स्टिक वितरित की गई। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त सचिव सुरेश मेहरा ने बताया कि चिन्हीकरण से वंचित रहे दिव्यांगों को बुधवार को आईडी दिखाने पर संबंधित उपकरण भेंट किए गए। शिविर में समाज सेविका विमला नागरानी ने सेवाएं दी। इस मौके पर शाखा सचिव जवाहरलाल कोठारी और अध्यक्ष प्रकाशमल लड्ड भी मौजूद रहे। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा 3 दिवसीय शिविर है, जिसका आज 1 तारीख को वो हो रहा है समापन, और अगर अधिक संख्या आ गई तो कल दोपहर 2 बजे तक चलेगा और ये 26 तारीख से शुरू हुआ है। इसके अंदर ट्राईसाइकिल हैं, व्हीलचेयर हैं, पैर कैलिपर्स हैं, सारे वर्कशॉप यहीं आया हुआ है, कम सुनने में कान की मशीन है, बुजुर्ग छड़ी है, ब्लाइंड स्टिक है। ये सभी उपकरण मतलब इनको चयनित अनुसार जो पूर्व में चयनित कर चुके थे उनको अब दिए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जयपुर झोटवाड़ा शहर ग्रामीण और जयपुर पूर्व के समस्त दिव्यांग बच्चों को 2 दिवसीय भ्रमण पर अजमेर लाया गया। अध्यापिका मनीषा शर्मा ने बताया कि दिव्यांग बच्चे गांव परिवार से निकलकर दुनिया भी देखें, इसलिए इन बच्चों को अजमेर और पुष्कर के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराने के लिए लाए हैं। बच्चे बाहर आकर प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। बुधवार को इन बच्चों ने अनासागर, बारादरी, चौपाटी, बजरंगगढ़ म्यूजियम, सोनी जी की नसिया आदि दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। इसके बाद सभी बच्चों को पुष्कर का भ्रमण कराया जाएगा। मनीषा शर्मा के मुताबिक समाज से दूर रहने वाले या दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह जीवन जिए और दुनिया देखे, इसलिए इन्हें स्कूल से बाहर भ्रमण पर लाया गया है। जयपुर झोटवाड़ा शहर ग्रामीण और जयपुर पूर्व के ये बच्चे हैं और हम इन दिव्यांग बच्चों को आज अजमेर लेकर आए हैं, जो कि हमारा पर्पज ये है कि ये दिव्यांग बच्चे अपने गांव से परिवार से निकल के एक दुनिया देखें कि आगे भी कोई दुनिया है, इनके लिए भी बहुत कुछ है जो ये अभी नहीं देख सके हैं। एसएसए की तरफ से आयोजित इस भ्रमण का ये है कि ये घर से परिवार से गांव से बाहर निकलकर एक दूसरे शहर में जाए और वहाँ की भी तौर तरीका देखें या वहाँ के भी ऐतिहासिक स्थल देखें, ताकि बच्चों को ये लगे कि हम और भी आगे जा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। दिव्यांग बच्चों ने दर्शनीय स्थलों, झील, मंदिर, म्यूजियम आदि को देखकर खुशी व्यक्त की। मैं आज से पहले यहाँ पे कभी नहीं आया, लेकिन आया हूँ तब से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा? मैंने यहाँ पे वो ताज, हाँ, चौपटी, हनुमान जी का मंदिर देखा, नसिया देखी और म्यूजियम देखा, हनुमान जी का मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा।